तीनों ही यहाँ गश्त में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान समय करीब 10:40 के आसपास आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर रुकी थी। उसी के दौरान गश्त करते हुए ये गश्त करते करते आश्रम एक्सप्रेस के B2 कोच में तलाशी कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तो शीट नंबर 36 के नीचे एक बैग लाल कलर का लावारिस हालत में मिला। उस बैग के लिए आसपास में किसी से पूछताछ की तो किसी ने अपना होना नहीं बताया। उसको संदिग्ध मानते हुए या कोई मादक पदार्थ होते हुए विस्फोटक पदार्थ होने के शंका के कारण उसको खोल कर देखा तो उसमें 16 बोतल अंग्रेजी शराब की मिली। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। डीजी साहब के और एसपी साहब के, एडिशनल एसपी साहब के और डिप्टी साहब के आदेश से और सीआई साहब के निर्देशन में गश्त चेकिंग बदमाश स्थान कटने हेतु हेड कांस्टेबल रमेश चंद और बमर विक्रम सिंह और सुमेर चंद और गोपाल लाल तीनों ही यहाँ गश्त में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान समय करीब 10:40 के आसपास आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर रुकी थी। उसी के दौरान गश्त करते हुए ये गश्त करते करते आश्रम एक्सप्रेस के B2 कोच में तलाशी कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तो शीट नंबर 36 के नीचे एक बैग लाल कलर का लावारिस हालत में मिला। उस बैग के लिए आसपास में किसी से पूछताछ की तो किसी ने अपना होना नहीं बताया। उसको संदिग्ध मानते हुए या कोई मादक पदार्थ होते हुए विस्फोटक पदार्थ होने के शंका के कारण उसको खोल कर देखा तो उसमें 16 बोतल अंग्रेजी शराब की मिली। उन 16 अंग्रेजी शराब की बोतल को जब्त करके और टीम ने सीआई साहब को तहरीर दी कानूनी कार्यवाही करने की कि जो संदिग्ध व्यक्ति है जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। और अब जांच चल रही है, जांच श्रीमान सर्वेश्वर हेड साहब को दी गई है। अच्छा, ये ट्रेन में आगे कहाँ जा रही थी? ये ट्रेन दिल्ली से आई है और अहमदाबाद जा रही थी। अच्छा। और अब वे अज्ञात कि भाई ये लावारिस बैग किसका है उसकी तलाश की जा रही है और जिसको बैग को जमा मालखाना किया गया। कब की घटना है ये? घटना कल दिनांक 19/3/24 की, समय रात्रि 10:40 की।